देखिए, काफ़ी समय से मेरा मानना है कि लगभग सदियों से ये मांग चलती आ रही है कि श्री वीर तेजा जी महाराज जो किसान कौम के देवता है और प्रोफेसर और आसपास के क्षेत्र के लोगों की काफ़ी वर्षों से ये मांग थी कि तेजा जी के मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए। और हम सब लोगों ने प्रयास किया और राजस्थान की सरकार के समक्ष ये मुद्दा उठाया। राजस्थान की विधानसभा में भी मैंने कई बार ये मुद्दा उठाया कि वीर तेजा जी का मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए। और आज माननीय मंत्री जी गोविंद सिंह जी डोटासरा जी से मेरी बात हुई और उन्होंने ये अवगत करवाया कि 2,34,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत हुई है, जिसमें पहली किस्त 50,00,000 रुपए की अभी इसी वित्तीय वर्ष में लागू हो गई और पूरी 2,34,00,000 रुपए की जो वित्तीय स्वीकृति मिली है। इस मामले में मैं आज तमाम परमेश्वरवासियों और आसपास के क्षेत्र के तमाम तेजा भक्तों को बधाई और शुभकामनाएँ देना चाहूँगा कि आज काफ़ी वर्षों से जो लंबित थी मांग आज हमारी पूरी हुई और आराध्य देवता लोक देवता हमारे तेजा जी महाराज ने हम सब लोगों की सुनी। उस क्षेत्र में प्रयास है और लगातार हम सब लोग उस क्षेत्र में प्रयासरत है कि किस तरह से परमेश्वर का पशु मेला जो यहाँ का विश्व में प्रसिद्ध है और पूरे देश भर में जिसकी चर्चा रहती है परमेश्वर पशु मेले की, आज हम सब लोग यही चाहते हैं कि वो मेला वापस अपने उसी रूप में लगे। और जिस तरह से बछड़ों पे हाईकोर्ट की जो रोक लगी हुई है उसके कारण इस मेले का काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है, तो हम सब लोगों का प्रयास अभी भी जारी है और राज्य सरकार के समक्ष मैंने कई बार इस मुद्दे को उठाया है कि परमेश्वर में तेजा जी के मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए और परमेश्वर का पशु मेला वापस से लगना चाहिए।